नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फोर न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया निष्पक्ष का। निष्पक्ष में आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले हैं, ये मुद्दा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 18वीं लोकसभा शुरू हो चुकी है, जिसका आज पहला दिन था। और पहला दिन जिस बात की उम्मीद की जा रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रह सकता है। और पहले दिन ही, हालांकि ज्यादा कुछ आज हुआ नहीं क्योंकि जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्होंने शपथ ग्रहण की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि किस तरीके से सदन के अंदर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ और तमाम विपक्षी दलों की ओर से, तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से सदन में जोरदार हंगामा किया गया है। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद के अंदर शपथ लेने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर नीट नीट शेम शेम करके नारेबाजी की जाती है, जोरदार हंगामा किया जाता है। और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो सदन के अंदर इन नारों को लेकर बहुत ज्यादा अपने आप को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये पहले कह दिया गया था कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको सदन के अंदर हम उठाएंगे। हालांकि जैसा कि इसके पहले हमने आपको बताया कि अभी दो दिन, यानी कि आज और कल, आज तो हो गया लेकिन कल भी जो नवनिर्वाचित सांसद हैं जो बाकी रह गए वो शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद सदन की जो कार्रवाई है वो फिर आगे बढ़ेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने पहले अपने राय जाहिर कर दिए और बता दिया है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन उसके पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ तौर पर कहा कि विपक्ष की जो भूमिका है वो सकारात्मक रहनी चाहिए, वो पॉजिटिव दिखनी चाहिए और विपक्ष को सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी भूमिका को अच्छे से निभाना होगा। लेकिन सवाल ही है कि अगर पीएम मोदी इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप अपनी भूमिका को अच्छे से निभाइए, तो क्या उनके मन में किसी तरह का कोई डर है? क्या उनके मन में किसी तरह की कोई शंका है? क्या वाकई में उनको ऐसा लग रहा है कि ये 15 दिन की जो सरकार है कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर घिरती हुई नजर आ रही है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाल ही में आपको याद होगा कि एक भीषण रेल दुर्घटना हुई, उसके बाद एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, एक के बाद एक पेपर रद्द किए जा रहे हैं। आपने देखा जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है, श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया जाता है, आतंकवादी लगातार जम्मू कश्मीर में, जहां सरकार इस बात का दावा कर रही है कि 2019 के बाद से हालात लगातार यहां पर बदले हैं, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, इसको लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इसके अलावा एग्जिट पोल्स जो सामने आए उस पर जेपीसी की मांग की जा रही है, इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा घिरती नजर आ रही है। और यही वजह है कि पीएम मोदी ये कहते नजर आए कि विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाए सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात भी उन्होंने की और किस तरीके से सदन के अंदर एक अच्छी और खूबसूरत तस्वीर जो है वो लोकतंत्र की देखने को मिली। पीएम मोदी अभिवादन करते हैं सभी सांसदों का कर रहे थे, उसमें राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी की नजर जब पीएम मोदी के ऊपर पड़ती है तो दोनों एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हैं। लेकिन जो बड़ी बात थी वो ये थी कि राहुल गांधी जैसे अपने चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में संविधान की कॉपी को अपने हाथ में लिए वो घूम रहे थे, कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिला। और सदन के अंदर जब वो पहुंचे तो उनके हाथों में भी संविधान की कॉपी थी और जब पीएम मोदी का वो अभिवादन कर रहे थे उस वक्त भी संविधान की कॉपी अपने हाथ में वो लिए हुए थे। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और आज क्योंकि कोई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद नहीं है तो मैं और निशा जो है वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम आपस में चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि चर्चा जो है वो सार्थक रहे और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले और आपके काम भी आए। निशा, ओवर टू यू। बिल्कुल, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह और जैसा कि निष्पक्ष ने बताया कि न पक्ष न विपक्ष, हम सब निष्पक्ष बात करते हैं। आज हमारे साथ कोई मेहमान नहीं है लेकिन हम सोचेंगे क्यों ना इस बारे में बातचीत की जाए, इस बात को समझाया जाए, क्योंकि संसद का जो सत्र है अब उसका आगाज हो चुका है और कहीं ना कहीं हंगामेदार ये आगाज रहा है। मोदी सरकार की बात करें 240 सीटें उनकी आई और उसकी वजह से ये सत्र है और फिर हंगामेदार इसलिए होगी क्योंकि विपक्ष मजबूत है, मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि जिक्र यहाँ पर अमित ने किया कि लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर यहाँ देखने को मिली जब एक दूसरे का अभिवादन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, अभिवादन किया, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी उसको एक्सेप्ट किया। तो विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है लेकिन साथ ही साथ खूबसूरत तस्वीरों के साथ साथ प्लान तो पूरा यही था कि पहले अभिवादन करेंगे और उसके बाद लगातार हंगामा करेंगे, हंगामा संविधान बदलाव को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम विपक्ष है, राहुल गांधी हुए, तमाम विपक्षी नेता, जो विपक्षी सांसद हैं, उन लोगों द्वारा संविधान की कॉपी लेकर वो लोग गए हुए थे कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो चाहती है वो संविधान परिवर्तित करना चाहती है। आपको याद भी होगा अगले चुनावों के दौरान बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने संविधान को बदलने की बात कही थी और उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर सामने आया
उसने सबको हक्का पक्का कर दिया, वो इसलिए क्योंकि अयोध्या तो नहीं हार सकते, ये उम्मीद सबने की थी कि बीजेपी अयोध्या नहीं हार सकते, लेकिन संविधान बदलाव की बात को लेकर जिस तरीके से वहां के कैंडिडेट हारे और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे अवधेश प्रसाद वो वहां से जीत गए, तो यहाँ पर सभी के हाथों में संविधान की जो पेपर से संविधान बदलाव का वो कहीं ना कहीं बार बार हम लोगों ने दिखाया। फिर हमने मोदी का भी किया, जिस तरीके से मोदी जी ने यहाँ पर ही बोला कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाने होगी, हमें तो सवाल ही उठता है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी कह क्यों रहे हैं कि सकारात्मक भूमिका निभाने होगी। इसके पहले अगर हम बात करें मजबूत विपक्ष नहीं था, साल 2014 में तो बिल्कुल नहीं था, 2019 में थोड़ी सीटें कम आई तब भी यहाँ पर कोई मजबूती दिखाई नहीं देती, इस बार मजबूत स्थिति में है, तो क्या रिक्वेस्ट समझे, क्या समझे कि भैया सकारात्मक भूमिका निभाइएगा, हमको सदन चलाने दीजिएगा, सरकार चलाने दीजिएगा, क्या था मतलब? देखिए ऋषा, हालांकि कोई पहली बार नहीं है, जब भी सदन की कार्यवाही शुरू होती है उसके पहले पीएम मोदी इसी तरीके से संबोधन उनका होता है और उसके बाद वो ये रिक्वेस्ट पहले भी करते रहे, यानी कि इसमें तो कुछ नया मुझे नहीं लग रहा है कि वो अगर जो तमाम विपक्षी दल हैं, लेकिन इस बार मतलब थोड़े ओवर निकल रहे हैं, इस बार हैं चीजें थोड़ी सी अलग हैं पिछली बार से। नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, मतलब निकालने वाले निकाल के 2019 की बात करें, 2014-2019 के बाद अब 10 सालों में, तो 2024 से अब चल रहा है, तो 10 सालों में पानी जो है वो गंगा में यमुना में बहुत ज्यादा बह गया है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि 2014-2019 वाली परिस्थिति तो है नहीं, अब ये 2024 है। यहाँ पर भाई आप एनडीए के साथ 293 हैं, एक समय ऐसा था कि जब आप अकेले 300 के पार थे, तो बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अब स्थितियां जो है परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। बावजूद इसके ये बात सच है कि एनडीए मजबूत है, 293 आपके पास है, 232 उनके पास है, लेकिन 232 का आंकड़ा ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, और इसीलिए पीएम मोदी को ऐसा लगता है, मात्र 15 दिन हुए सरकार को पीएम मोदी के नेतृत्व में, ये जो एनडीए की सरकार है देश के अंदर, मात्र 15 दिन हुए हैं, आप लेकिन आपने आतंकवादी घटना का जिक्र कर दिया, आतंकवादी घटना का जिक्र कर दिया, जबरदस्त उठापटक, नीट के जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों का जो संघर्ष सड़कों पर दिखाई दे रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जिस दिन शिक्षा मंत्री बने थे उसी दिन से उनका सवाल उठने लग गया, वो कह रहे हैं कि मैंने शिक्षा मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से मामला ये हो गया और मैं समझ नहीं पाया कि एनडीए पर, एनडीए का जो जिस तरीके से बचाव किया गया था, उन्होंने बाद में इस पर कहा कि मैं उसी दिन बना था, मुझे समझ में नहीं आया, तो जबरदस्त बदलते हुए घटनाक्रम यहाँ पर दिखाई दिए एनडीए सरकार के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा था निशा, आपने बीच में मुझे रोक दिया, मैं यही आपसे कह रहा था कि मात्र 15 दिन सरकार को हुए हैं और 15 दिन के भीतर आप देखिए ना देश के अंदर कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं, आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर में हो चुका है, रेल दुर्घटना हो चुकी है, इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, उसके बाद जैसा कि मैंने शुरुआत में जो मेरा ओपनिंग रिमार्क था उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर रद्द किए जा रहे हैं, इसके अलावा एग्जिट पोल्स को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि भाई एग्जिट पोल्स जो है आपने दिखाए सब, आपने सेटिंग की और उसके बाद हमने देखा कि शेयर बाजार जो है वो धाम हो गया और लोगों के जो है वो 30 लाख करोड़ जो है वो डूब गए, और इसको लेकर भी हालांकि जिन्होंने ये एग्जिट पोल्स बनाए या दिखाए अब उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि भाई हम जांच के लिए तैयार हैं, जो भी जाँच आप करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन सरकार इस पर घिरी हुई है, ये बात बिल्कुल आप तय मानिए कि विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और विपक्ष बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में आपको सदन के अंदर ये दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, पेपर रद्द करने का मामला हो, बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। और देखिए मुझे ये लगता है, मैं अगर आप व्यक्तिगत राय मेरी जानेंगी निशा, तो मैं तो ये कहूंगा पिछले 10 सालों में इतनी बुरी स्थिति सरकार की कभी नहीं रही, या इतनी बुरी स्थिति में सरकार कभी नहीं रही जितनी अभी रही है। 15 दिन के भीतर भीतर विपक्ष के पास इतने मुद्दे हो गए सरकार को घेरने के लिए कि पीएम मोदी भी नहीं सोच सकते हैं कि इतने सारे मुद्दे 15 दिन के भीतर कैसे इन लोगों को मिल गए। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की होगी, जाहिर सी बात है कि सभी तैयारी करते हैं कि जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, ये सच बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको सदन के अंदर उठाया जाएगा, सदन पटल पर रखा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ये साफ कह रहे हैं कि भाई ये जो सरकार है ना पीएम मोदी के नेतृत्व में, ये एनडीए की सरकार है, ये एनडीए की सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खास तौर पर खिलवाड़ कर रही है, देश के शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, देश के शिक्षा मंत्री जो है वो अपने पद पर बने हुए हैं, और सर ये भी राहुल गांधी ने कहा कि कितनी बेशर्मी की बात है कि शिक्षा मंत्री शुरू में ये कहते हैं कि भाई नीट परीक्षा में किसी तरह की ना तो कोई गड़बड़ी हुई है ना ही किसी तरह की अनियमितता हुई है, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, ये परतें जब खुलती हैं, जब इस बात का खुलासा होता है, जब उनको लगता है कि इसमें तो एनटीए की भूमिका भी संदिग्ध के घेरे में है, वो भी इसमें फंसती हुई नजर आ रही है, तो उसके बाद उनके सुर अचानक से बदल जाते हैं
और वो कहते हैं कि नहीं नहीं अगर इसमें एनटीए के मेंबर्स की कोई भूमिका नजर आएगी तो हम उसकी भी जांच करेंगे, अगर किसी भी तरह की जांच कराई जाने की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी कराएंगे। तो अब तो हो भी रही है भाई, एनटीए के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, बिहार से लेकर के गुजरात, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, तमाम राज्यों से हम देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो भाई ये तो शिक्षा मंत्री से सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अगर आप लगता है कि नीट परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है, तो फिर ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही है? ये पुलिस जो है, तमाम राज्यों की जो पुलिस है वो गिरफ्तारियां क्यों कर रही है? अगर गिरफ्तारियां हो रही है तो इसका मतलब तो ये है कि भाई गड़बड़ी हुई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आपने क्या बिना सोचे समझे बयान दे दिया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आप कुर्सी पर विराजमान हुए थे और उसके तुरंत बाद ये परिस्थिति आपके सामने आ गई। उनको ऐसा लगा कि जैसे हम पहले हम बहुमत की सरकार में थे, पहले हम कुछ भी कहते थे तो बातें चल जाती थी, उतनी दिक्कत हमें होती नहीं थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार विपक्ष जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा, आपको हर बात के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और विपक्ष ने देश के शिक्षा मंत्री को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि उनको अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा, उनको ये कहना पड़ा कि हाँ हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे, उनको पेपर को लीक, अगर उनको लग रहा है कि पेपर, आपने देखा होगा ये सीएसआईआर यूजीसी का जो परीक्षा होनी थी 25 जून से 27 जून के बीच में परीक्षा होनी थी, उस परीक्षा को आयोजित होने से पहले रद्द करना पड़ा, क्योंकि शिक्षा मंत्री को या शिक्षा मंत्रालय को इस बात का अंदेशा था कि ये परीक्षा भी लीक हो सकती है, ये परीक्षा पेपर जो है वो लीक हो चुका है, कुछ ना कुछ तो आशंका होगी, कुछ ना कुछ तो उनको डर होगा, इसी वजह से उन्होंने इसके पहले परीक्षा होने से पहले इसको रद्द करने का फैसला कर लिया। तो एक के बाद एक आप देखेंगे 3-4 दिन के भीतर ये सारी चीजें जो हो गई हैं, सरकार बैकफुट पर है, सरकार को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से जवाब दिया जाए। यही वजह है जो आप पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि विपक्ष जो है वो अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए, लेकिन विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी। अब तो आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा, हर मुद्दे पर आपको जवाब देना पड़ेगा, आप अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है भाई, ये युवा जो है वो देश का भविष्य है, और देश के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी आपको देनी पड़ेगी, जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं निशा कि आने वाला जो समय है, यानी कि 10 दिन तक ये सदन चलेगा, इसमें कुल मिलाकर के 8 बैठकें होनी है, लेकिन ये बैठकें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि देश भर की जो नजरें हैं वो इस पर बनी हुई हैं, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है निशा वो विपक्ष की बनती है। अब ये देखना होगा कि विपक्ष का वाकई में कोई राजनीति करना चाहता है या सच में ये परीक्षाएं जो कैंसिल हो रही हैं, जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं या पेपर लीक हो रहे हैं, इसको लेकर वाकई में वो गंभीर हैं, क्योंकि जो देश का युवा है वो भी विपक्ष से बहुत ज्यादा उम्मीदें किए हुए है, वो भी ये चाहता है कि उनके मसलों का हल हो, उनके मुद्दों का हल हो, उनकी सुनी जाए। सरकार अगर नहीं सुन रही है तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो दबाव डाले सरकार पर, और इस दबाव का असर हुआ है, ऐसा नहीं है, दबाव अगर नहीं डाला जाता और दबाव का अगर असर नहीं होता तो ना तो ये परीक्षाएं रद्द की जाती, ना ये पेपर लीक के मामले सामने आते, और ना शिक्षा मंत्री को अपने पुराने बयान को बदलना पड़ता कि नहीं गड़बड़ी तो हुई है, गड़बड़ी जहां पर हुई है हम उसको देखेंगे, हम इसकी जांच कराएंगे, जैसी भी जांच की जरूरत पड़ेगी हम उसको कराएंगे। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकती हैं कि आने वाले जो दिन हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा रोचक भी आप इसको कह सकती हैं, क्योंकि हमने देखा सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बातें रखते हैं तो किस तरीके से वो एक अलग ही अंदाज में अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, और अब राहुल गांधी एक बढ़े हुए मनोबल के साथ, एक ऊंचे मनोबल के साथ सदन के अंदर मौजूद हैं, दो दो सीटों से चुनाव लड़े, दोनों सीटों से 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, और वायनाड से उन्होंने हालांकि इस्तीफा दिया है, अब उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वहां से उपचुनाव लड़ेंगी, लेकिन रायबरेली से वो सांसद हैं। तो कुल मिलाकर के आप अब सदन के अंदर हो हंगामा हो हल्ला ये सब तो देखेंगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो ये जो विषय है, जो तमाम विषय मैंने आपको गिनाए 6 से 7 जो मुद्दे हैं, इनकी जो गूंज है वो भी सदन के अंदर आपको दिखाई पड़ेगी। निशा बिल्कुल संसद में जमकर गिरेगी इस बार सरकार, उसका नजारा देखने को मिल चुका है। 15 दिन की सरकार हुई है लेकिन 15 तरह की प्रॉब्लम, 15 तरह की समस्याएं सरकार के सामने आ गई हैं। पहले मंत्री पद को लेकर समस्याएं खड़ी हुई थी कि मंत्री पदों का जब बंटवारा होगा तो कैसे होगा, उसको लेकर लगातार घिरी हुई थी, क्योंकि जो किंग मेकर पार्टी थी जेडीयू हो या टीडीपी हो, वो लगातार अपने अपने पसंदीदा मंत्री पद मांग रहे थे, मंत्री पद नहीं दिया। लेकिन अब नजरें स्पीकर पद को लेकर है, वहां पर भी समस्याएं बढ़ेंगी, यानी ये जो सरकार का कार्यकाल
बयान होगा मोदी राज को जो 10 साल गुजर गया बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अब 15 दिन ये तस्वीर दिखा रहे, कहते हैं ना कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो पिक्चर अभी कहीं ना कहीं बाकी दिखाई दे रही, क्योंकि 15 दिनों के अंदर इतनी सारी समस्याएं देखने को मिल गई है। 2 दिनों बाद स्पीकर पद का चुनाव भी होना है, अब लग रहा है कि आखिरकार स्पीकर पद के चुनाव के लिए आखिरकार किस तरीके से रूपरेखा यहाँ पर बीजेपी की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ही तो जरूर चाहेगी कि स्पीकर उनका हो। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि किंग मेकर की पोजीशन पर यहाँ पर टीडीपी और जेडीयू है, तो कहा यह जा रहा है कि टीडीपी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। आपको क्या लगता है किस तरीके से स्पीकर पद की के लिए कैसे बढ़ा जाएगा, तो बीजेपी कैसे अपने साथियों को कन्विंस करेगी, क्योंकि साथी पहले से ही कन्विंस नहीं है, उनको उनकी पसंद के हिसाब से मंत्री जो पद थे वो उनको नहीं मिले हैं, और ऐसे में कांग्रेस है या इंडिया गठबंधन वो भी अपनी रोटियां सेक रहा है। अगर कहीं एक तरफ संगठित दिखाई देता है एनडीए, तो उस पर राहुल गांधी हो गए या संजय राउत हो गए इस तरीके के बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं जो एनडीए के अंदर जो घटक दल है उनकी मंशाओं को उनकी उम्मीदों को हवा देने का काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है अमित, जो ये पूरा 2 दिन बाद जो स्पीकर पद का चुनाव होगा कितना आसान होगा कितना मुश्किल होगा, और अगर बीजेपी क्या इसको अपने पास रखने में कामयाब हो पाएगी या यहाँ पर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी इच्छाओं के साथ और वो देना पड़ जाएगा अपने घटक दलों को। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है। हालांकि देखिए वैसे आमतौर पर अगर आम सहमति बन जाती तो चुनाव की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार कोई आम सहमति बन पाएगी। जब प्रोटेम स्पीकर के लिए अगर इतनी मारामारी हुई, इतनी लड़ाई हुई है, हमने देखा है किस तरीके से प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने तो कह दिया कि भाई के सुरेश को क्यों नहीं बना रहे हैं आप प्रोटेम स्पीकर, आपको बनाना है तो बनाइए, उनसे सीनियर है, उनसे एक बार वो 7 बार के सांसद है लेकिन 8 बार के सांसद है, अगर आपको प्रोटेम स्पीकर सीनियोरिटी के हिसाब से ही बनाना है, सीनियोरिटी के हिसाब से ही बनता है वो, लेकिन तो उन्होंने तो विपक्षी दलों ने कहा कि भाई आप हमारे कांग्रेस पार्टी के सुरेश को बनाइए जो कि 8 बार के सांसद हैं, आप इनको बना रहे हैं, इनको क्यों बना रहे हैं, लेकिन नहीं सुनी। अब जो असली लड़ाई, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की भूमिका कितनी हो, वो अस्थायी तौर पर होते हैं, उसके बाद जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं उनको शपथ दिलाएंगे, उसके बाद उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है। फिर 26 जून को जैसा कि आपने कहा कि स्पीकर का चुनाव होना है, लेकिन स्पीकर का जो चुनाव है वो भी इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला निशा, दिलचस्प इसलिए रहने वाला है निशा क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं मुझे लगता है कि वो पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि देखिए अक्सर ही देखने को मिलता है कि जो स्पीकर है वो ठीक है, सत्ताधारी जो दल है या उसके जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से कोई स्पीकर बना दिया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद आमतौर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता ही है, लेकिन आमतौर पर जो विपक्षी खेमा होता है उसके उसके पक्ष में जाता है या आजादी के बाद हमेशा से यही रहा है कि ये जो डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष के पास ही रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है डिप्टी स्पीकर का जो पद मांग रही है वो इसको ही आधार बनाकर मांग रही है कि पिछले समय से यही होता आया, यही रवायत रही है, यही रिवाज रहा है। बिल्कुल मैं वही कह रहा था आपसे, मैं वही कह रहा हूँ निशान, लेकिन देखिए स्पीकर तो बीजेपी का होगा ये लगभग तय हो चुका है, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू दोनों को मना लिया गया है, जो मुझे जानकारी मेरे पास है या हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी जो है स्पीकर पद अपने पास रखेगी, इसमें किसी तरह की कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए, और जब 26 जून को हम सबको पता चली जाएगा। लेकिन बीजेपी जो है अब हो सकता है, देखिए 3 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम तो ओम बिरला का ही है जो इसके पहले भी स्पीकर रहे हैं, दूसरा नाम जो है वो आंध्र प्रदेश से आने वाली जो कि अध्यक्ष भी है वहाँ की डी पुरंदेश्वरी, उनका नाम सामने आ रहा है, और एक बिहार के कद्दावर नेता हैं मोहन, उनका नाम जो है उनका नाम चल रहा है, मंत्री भी रहे केंद्र में, तो इन तीनों में से एक बीजेपी किसी को ही बना सकती है, ये चर्चाएं जो अभी हैं, मैं अभी तक की जानकारी जो अभी मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, टीडीपी और जेडीयू इनको नहीं मिलेगा स्पीकर पद, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है स्पीकर पद बीजेपी अपने पास ही रखेगी। लेकिन अब अगर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विपक्ष है वो इन तीनों जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ इस पर किसी तरह की कोई आम सहमति बन पाएगी ऐसा लग रहा है, जो विपक्ष के जो जो नजरिया है विपक्ष का, या यूं कह लिए जो उसके जो देखने को मिल रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आप अगर स्पीकर अपने पास रख बीजेपी, हालांकि देखो विपक्ष जो है वो भड़काने की कोशिश भी कर रहा है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आपने मंत्री पद तो अपने हिसाब से ले लिए,
आपने मलाईदार मंत्रालय अपने अपने बीजेपी ने अपने पास रख लिए, कम से कम ये टीडीपी और जेडीयू जो है वो इतना तो रखे कि स्पीकर पद तो अपने पास रख ले, लेकिन दोनों को मना लिया स्पीकर पद उसके पास ही रहेगा। लेकिन अब बात अगर ऐसा है तो क्या फिर ये माना जाए कि विपक्ष की ओर से भी फिर दावेदारी अपनी की जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आम सहमति विपक्ष तो ये कह रहा है कि अगर इसका मतलब चुनाव होगा। बोलिए निशा क्या कह रही हैं? नहीं, विपक्ष तो ये कह रहा है कि अगर आपने हमको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया तो फिर हम दोनों ही उस पे अपने 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 जो भी उनके सांसद होंगे, जो भी उनके कैंडिडेट्स होंगे, उनको उतारेंगे। लेकिन अगर आप स्पीकर अपना अपने हिसाब से चुनाव कर लेते हैं, डिप्टी स्पीकर अगर आप हमें दे देते हैं जो कि हमारी रवायत है, रवायत को हवाला बना रहे हैं, तो वो मान सकते हैं। दूसरी तरफ मेरा ये भी सवाल है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने पास ही रखेगी, तो क्या बीजेपी टीडीपी का नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा था स्पीकर पद को लेकर, तो क्या टीडीपी को डिप्टी स्पीकर पद देकर निपटाने की कोशिश करेगी बीजेपी? देखिए ये निशा हमें ना थोड़ा सा पीछे जाना होगा, फ्लैशबैक में हमें जाना होगा और हमें समझना होगा कि आखिर बीजेपी स्पीकर पद अपने पास रखना क्यों चाहती है। देखिए जब भी मामला गड़बड़ाता है ना, आप देखिए कि स्पीकर की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने महाराष्ट्र में जब सरकार गिरी हमने देखा वहां पर स्पीकर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई, मामला अदालत तक पहुंचा और उसके बाद भी पूरा का पूरा जो दारोमदार था वो स्पीकर पे था, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उनके ऊपर था, राहुल दाभिकर, आपको याद होगा। चाहे हम झारखंड का मामला ले लेते हैं या किसी और राज्य का मामला आप ले लीजिए, जहां भी सरकारें गिरी, इधर से उधर कुछ हुआ, तो वहां पर स्पीकर की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुमत में नहीं है, बीजेपी अल्पमत में है, अपने दम पर तो सरकार नहीं बना पाई, बीजेपी एनडीए की, मतलब ये सरकार एनडीए की सरकार है, इसीलिए बीजेपी को अगर लगता है कि अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो कम से कम स्पीकर तो अपना रहे, स्पीकर अपना रहने के बहुत फायदे होते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी इस पर अड़ गई कि नहीं भाई स्पीकर पद तो हम अपने पास ही रखेंगे। अब देखिए तमाम जो विपक्षी दल है उनकी ओर से ये तर्क भी दिया जा रहा है कि भाई बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो तानाशाही चल रही है ऐसा क्यों हो रहा है। आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, उनके समय में शिवसेना का स्पीकर था, उनके समय में टीडीपी का स्पीकर था, मतलब वो तो सहयोगियों को बहुत बढ़ावा देते थे, वो तो उनका बहुत समर्थन करते थे, उनके साथ मिलजुल कर चलते थे, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे सामंजस्य से वो सब रहते थे। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों यहाँ पर टीडीपी और जेडीयू को दरकिनार किया जा रहा है जी? तो बातें तो बहुत सारी की जा रही है, अब सवाल ये है कि भाई स्पीकर के लिए क्या चुनाव होगा या आम सहमति कोई बन जाएगी? अगर चुनाव होगा तो इसका मतलब ये कि आम सहमति नहीं बनी है। बात रही डिप्टी स्पीकर की, तो डिप्टी स्पीकर पद के लिए बिल्कुल सही बात है, आमतौर पर अभी तक ऐसा होता है कि जो विपक्षी खेमा होता है उसी का डिप्टी स्पीकर होता है, लेकिन क्या इस बार कुछ अलग होगा, क्या इस बार कुछ नया हमें देखने को मिलेगा, क्या जो विपक्षी दल है वो बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई या तो आप हमें दीजिए जो परंपरा अब तक रही है उस हिसाब से, नहीं तो फिर हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो और अगर ऐसा होता है तो फिर ये मुकाबला जो है वो दिलचस्प होगा। अब कौन किस ओर से दावेदारी ठोकेगा या किस किस की दावेदारी मजबूत होगी उसके थोड़ा इंतजार करते हैं। निशा तो आगे एक दो दिनों में अगर कोई फिल्म रिलीज होने वाली तो उस फिल्म को देखने के लिए लगता है कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि संसद के अंदर इतनी बेहतरीन फिल्म देखने को मिलेगी आपको पता नहीं चलेगा क्या थ्रिलर चल रहा है, क्या सस्पेंस चल रहा है, क्या अगले कदम पर होने वाला है, कौन किसकी तरफ जाने वाला है, क्योंकि बहकाने की कोशिश बकायदा विपक्ष कर रहा है, बार बार हवा दे रहा है, जो एनडीए गठबंधन में जो घटक दल है उनको कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश हो रही है कि अगर उनका स्पीकर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो तमाम ये सारी चीजें हैं, मैं आपको समझना चाहूंगी कि आखिरकार वजह क्या रही। नीतीश बाबू को मौका परस्त कहा जाता है लेकिन इस बार इतना शांतिपूर्ण तरीके से वो किस तरीके से मंत्री पद को लेकर भी शांत रहे, अगर स्पीकर बीजेपी का होता है उसको भी लेकर शांत रहे, टीडीपी के बारे में कहा जा रहा था कि स्पीकर के लिए वो आगे जाएंगे, अगर बीजेपी अपना ही कैंडिडेट करती है तो माजरा क्या है? ये तो किंग मेकर है, ये लोग तो सब कुछ बदल सकते हैं, इस तरफ जाए उस तरफ जाए सब कुछ बदल सकते हैं, तो ये आखिरकार इतनी संगठन में मजबूती या क्यों? क्योंकि जो भी बयान बीजेपी की तरफ से आ रहा है, इवन जो घटक दलों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं स्पीकर को लेकर, अभी किसी भी जो घटक दल के जो सदस्य उनके नाम की बात नहीं आई, बावजूद उसके जो घटक दल के लोग हैं वो लोग बड़े सेटिस्फाइड है कि नहीं कुछ भी होगा हम लोग बीजेपी के साथ है। वजह आप इसके पीछे क्या मानते हैं? देखिए वजह सीधी सी है कि नीतीश कुमार के बारे में आपको याद होगा कि लालू यादव ने उनको पलटू राम का तमगा दिया था, और नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, राजनीति का पलटू राम उनको बोला जाता है, तो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि यार अभी तो मैं आया
और अभी फिर मैं अगर पलटी मार देता हूँ तो वो जो डेंट लग चुका है ना मेरे ऊपर, फिर वो इमेज तो हालांकि उनकी बन चुकी है। क्या नीतीश बाबू के दिमाग में 2025 भी है? 2025 का चुनाव जहां पर वो बड़े भाई के रूप में वहां पर रहेंगे और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, वो एक मसला भी नजर आ रहा है अभी फिलहाल उनके सेटिस्फेक्शन के पीछे? नहीं, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है जो आप कह रही हैं, ये बात तो सच है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए अभी हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से, टीएमसी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये 6 महीने की सरकार है, ये सरकार 6 महीने की सरकार है और 6 महीने के बाद देखिएगा कि आप क्या होने वाला है, ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में, साल भर में, डेढ़ साल में हमें कुछ ऐसा देखने को मिले। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल की बात करें तो हाल फिलहाल पीएम मोदी ने सारी चीजों को दरकिनार कर दिया और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो मैनेजमेंट है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए इसके पहले भी तो कई बातें तो कही जा रही थी ना, ये तो यही कहा जा रहा था कि नहीं नहीं टीडीपी कह रही है कि नहीं नहीं हमें 4 से 5 मंत्री पद दीजिए, जेडीयू कह रही है कि नहीं नहीं हमें 2 से 3 मंत्री पद दीजिए, हमें ये वाले मंत्रालय चाहिए, हमें वो वाले मंत्रालय चाहिए। अभी तक तो बीजेपी की चली है, जो बीजेपी ने चाहा वो बीजेपी ने किया, ना इसमें टीडीपी की चली, ना इसमें जेडीयू की चली, ना किसी और की चली। जो बीजेपी ने चाहा, जो पीएम मोदी ने चाहा, वो हुआ। अभी तक स्पीकर पद भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, आप सोचिए ना, मतलब कितनी बड़ी बात है ये। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया, अच्छे से टैकल कर लिया, लेकिन अब भविष्य के गर्त में क्या छिपा है इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करेंगे। बिल्कुल, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया, यही सोचने और समझने वाली बात है। लगातार कहा जा रहा था कि किंग मेकर की भूमिका में यहाँ पर नीतीश बाबू और जेडीयू है, जेडीयू और टीडीपी है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम चीजों को बहुत अच्छे मैनेजमेंट अगर कहा जाए नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, हमेशा से कहा जाता रहा है। और वो इस चुनावों में जो सीट उनकी कमाई उसको किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, किसी भी तरह के जो बड़े मंत्रालय थे लगातार मांग करती रही थी, ये तमाम खबरें उड़ती रही कि बड़े मंत्रालय कहीं ना कहीं जो घटक दल है वो मांग रहे हैं, वो नहीं दिया। अब जो खबरें निकल कर आ रही है, जिस तरह से आप नाम भी गिना रहे हैं कि बीजेपी का ही अध्यक्ष होगा, तो बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट यहाँ पर नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहा है। आपसे अमित, मैं समझने की कोशिश करूंगी, 2 दिनों का नाम तो ये जो आपको बता रहा था, राधामोहन सिंह और डी पुंद्रेश्वरी और एक उमरला जो कि पहले भी रहे, ये 3 नाम है अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं, इन्हीं में से कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी एक को आगे करेगी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन निशा, मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि समय बहुत कम बचाया, कि जिस बात का जिक्र आप भी कर रही थी, मैं उसी वक्त आपके बात का जवाब देना चाह रहा था, लेकिन बीच में आपने सवाल किया तो फिर मेरे दिमाग से स्किप कर गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि आने वाले ये जो 9 दिन है ना, चलिए कल का दिन और मान लीजिए, क्योंकि कल भी ये शपथ ग्रहण होगी, उसके बाद आप लगा लीजिए बाकी के जो 8 दिन है, ना आप ये समझ लीजिए कि जैसा कि आप कह रही थी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई और फिल्म देखने की जरूरत है, ना हो सकता है बहुत सारे लोग तो कोई कुछ और प्लान कर रहे हैं तो उसको भी कैंसिल कर दे, क्योंकि संसद भवन के अंदर ही बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब मैं तो देख रहा था ट्विटर पे लोग जो है उसको लेकर बहुत कुछ लिख भी रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं जो आप कह रही थी अभी, वो भी यही बात कह रहे हैं। वो कहते ना प्लान आपने किया है ना, तो प्लान कैंसिल कर दीजिए, कि जो जो पिक्चर आप बाहर देखना चाह रहे हैं, जो पिक्चर आप वो थिएटर में जाकर देखना चाहते हैं, उससे बड़ी पिक्चर आपको इस बार संसद में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, सेव द डेट वाला मामला यहाँ पर हो गया है कि पिक्चर यूजुअली हीरो कहते हैं सेव द डेट और वहां पर जाइए वाली पिक्चर देखिए, अब जनता कह रही सेव द डेट, क्योंकि इस बार संसद के अंदर जो कमाल धमाल जो मजे इस बार लोगों को देखने को मिलेंगे, पता भी नहीं चला है कौन सा सस्पेंस चल रहा है, क्या थ्रिलर चल रहा है, कौन हीरो बन जाएगा, कौन विलन बन जाएगा, कौन किसे छोड़कर भाग जाएगा, कौन किसके साथ रहेगा, अभी तमाम चीजें फिलहाल जो भविष्य के गर्त में छुपी हुई। आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगी, एक आखिरी सवाल, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर सरकार को घेर सकते हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन तो बड़े हंगामेदार तो रहने वाले हैं, बड़ी अच्छी पिक्चर देखने को मिलेगी, लेकिन वो मुद्दे कौन से जिसको लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा हावी होगी इस बार सरकार पर? देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया निशा आपको कि सबसे जो ज्यादा सरकार घिरने वाली है वो पेपर लीक और पेपर कैंसिल, इन दो मसलों को लेकर, इन दोनों मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि छात्र जो है वो सड़कों पर है, छात्र बहुत ज्यादा हताश है, निराश है, हैरान भी है और परेशान भी है, क्योंकि ये तो मोदी सरकार तो मजबूत सरकार मानी जाती है ना, हालांकि एनडीए की सरकार है लेकिन इसका नेतृत्व तो पीएम मोदी कर रहे हैं, जो कि एक मजबूत प्रधानमंत्री माने जाते हैं, जो कि बीजेपी वाले बार बार ये बात कहते भी हैं कि मोदी जी जो है वो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वो स्ट्रांगेस्ट पीएम है अब तक के, वो तो ये भी दावा करते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, ये जो माफिया गैंग है, इस माफिया गैंग पर जो पेपर लीक माफिया गैंग है, या तो इस गैंग पर लगाम कैसे नहीं लग पा रही है, इनके मन में डर पैदा क्यों नहीं हो रहा है, इनके मन में खौफ पैदा क्यों नहीं हो रहा है,
हालांकि सरकार के पास बहुत कुछ है कहने को, क्योंकि अब तो ये भी कहा जाएगा जो मुझे लग रहा है कि भाई हमने एंटी पेपर लीक लॉ जो है वो लागू कर दिया, एंटी पेपर लीक कानून देश के अंदर लागू हो चुका है, पेपर लीक के लिए हम कानून ला चुके हैं जिसमें 10 साल से लेकर के और 1 करोड़ मतलब 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि किस तरीके से पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल, तो सरकार पूरा प्रयास करेगी अपनी सरकार चलाने को लेकर, विपक्ष पूरी कोशिश करेगा सरकार गिराने को लेकर। तो तमाम यही मुद्दे हैं और 26 तारीख का दिन जिसको हम कह रहे हैं सेव द डेट, तो सेव द डेट जनता, क्योंकि वो दिन बहुत खास रहने वाला है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, कौन बनेगा आखिरकार स्पीकर, ये तमाम चीजें हैं और सरकार को कैसे खेती हुई नजर आएगी विपक्ष, ये भी इस बार देखना बड़ा मजेदार होगा क्योंकि 15 दिन के अंदर बड़ी उठापटक बीजेपी के अंदर देखने को मिली है और कहीं ना कहीं बार बार सरकार कई मुद्दों को लेकर खेती हुई नजर आई और तमाम बड़े बड़े मुद्दे इस 15 दिन के दौरान ही देखने को मिलकर, जिसको देखकर सरकार अंदाजा लगा सकती है कि अगले आने वाले 5 साल कितने कठिन गुजरने वाले। चलिए, बहुत धन्यवाद अमित, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम मुद्दों पर हमसे जो है डिस्कशन किया। आपके पास शायद ये डिस्कशन पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आज हमारे साथ जैसा कि आपने बताया कि एक्सपर्ट्स नहीं थे, तो आपने एक्सपर्ट्स की कमी को कहीं ना कहीं पूरा किया है। चलिए, आज के लिए हमारे खास बातचीत में सिर्फ इतना ही, अगली बार एक बार फिर से निष्पक्ष पे मुलाकात करता हूं। नमस्कार। अरे लाइव तो हटाओ, लाइव खत्म करो भाई साहब। अरे